हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। घर अपना खुद का एक ड्रीम हाउस, जो उसके लिए बहुत सी स्टोरियाँ लिखी गई है, बहुत से कविताएं लिखी गई है, बहुत से पिक्चरें बने हैं, मतलब इतना कुछ हुआ है आज तक। घर वो सबके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो दोस्तों आज हम एक ऐसे प्रोजेक्ट पर आए हैं जहाँ कुल मिला के 4 टावर है और 136 फैमिली यहाँ कुल रहेगी और बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। हम आजू बाजू में से, अगल बगल में से जब गुजरते हैं तो हमको पता भी नहीं होता है कि भाई यहाँ ऐसा कोई प्रोजेक्ट चल रहा है। तो दोस्तों बात को बहुत लंबी नहीं करते हुए, मैं हूँ आपका दोस्त प्रताप सवानी फ्रॉम पृथ्वी एस्टेट। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और दोस्तों मेरे साथ रहिए, कहीं नहीं जाइए। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप पूरा वीडियो एंजॉय करेंगे और हर एक बेडरूम, हर एक का डिज़ाइन, हर एक चीज़ अलग अलग आपको मिलेंगी। और मैं आपकी शुरुआत यहाँ से करवाता हूँ। ये है एंट्रेंस फॉयर, जो दोनों साइड में 2 लिफ्ट लगी हुई है। लिफ्ट भी बड़ी साइज़ की है और ये अभी सैंपल में हम आए हुए हैं। एक फ्लोर पर 2 ही फ्लैट है और इसका साइज़ है 25 बाई 10.5 का फॉयर का, जो आप देख सकते हैं। और आइए अब मेरे साथ और देखिए आगे हम जाते हैं लिविंग रूम की ओर। ये भी आपको एक सैंपल है पूरा, जो आपको देखने को मिलेगा और अलग डिज़ाइन रहेगी। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं लिविंग रूम में। लिविंग रूम में एंट्री करते हैं, देखते हैं ये लिविंग रूम की साइज़ है 20 बाय 16। मैंने एक जायंट लगता है, जायंट आप देख लीजिए, पूरा 10 फीट स्लेब लेवल हाइट है। और दूसरा आपको यहाँ जो मिलेगा वो आपको, मैं यहाँ जो एमिनिटीज़ दी हुई है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले हम यहाँ, ये लिविंग रूम है, साथ में डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग का स्पेस भी दिया हुआ है, 6 लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट है। और उसके पीछे में देख लीजिए ये बालकनी दिया है, फ्लावर बेड है, मैं आपको दिखाता हूँ। आइए, जायंट बालकनी है, मतलब लिविंग रूम और किचन डाइनिंग स्पेस के बीच पे हिस्से में पूरा 2 फुट का लिविंग में ये बालकनी, लिविंग और किचन को ज्वाइंट किया हुआ है। तो साथ में कंबाइंड बड़ा सा बालकनी है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों अब आइए इधर जो किचन पोर्शन है, 12 बाई 9 का साइज़ है, आप देख सकते हैं। और पूरा सेटअप किया हुआ है, मतलब आपको ये सोचना नहीं है कि भाई किचन में फ्रीज कहाँ रहेगा, स्टोव कहाँ रहेगा, ओवन कहाँ रहेगा। यहाँ सर्विस टेबल भी दिया हुआ है, तो यहाँ सर्विस टेबल पर ओवन भी रखा हुआ है और इधर में स्टोव भी रखा हुआ है, इधर में सिंक है। और मेरे पीछे में देखिए यहाँ पर ये पूरा और वॉश एरिया दिया हुआ है, यहाँ भी एक सिंक दिया हुआ है और जगह स्पेस है। और सेंट्रलाइज गीजर, मतलब गर्म पानी के लिए आपके दोनों अटैच बाथरूम में गर्म पानी आएगा। मेरे कैमरामैन को कहूँगा कि यहाँ पे जो सामने स्टोर रूम है, स्टोर रूम आपको दिखा दे, मेरी ज़रूरत नहीं है, स्टोर रूम आपको दिखा देते हैं। तो सेल्फ डाला हुआ पूरा स्टोर रूम आपको दिखाई देता है। फ्रीज है, सर्विस टेबल जो यहाँ रखा हुआ है वो भी आपको दिखा दिया। अब जाते हैं चिल्ड्रन बेडरूम की ओर, आइए मेरे साथ। ये यहाँ एक और आपको जाते जाते दिखा देता हूँ, ये वॉश बेसिन, वॉश एरिया है। सामने की साइड में यहाँ हमें गणपति बापा मोरिया, गणपति बापा को रखा है। आते जाते हर एक आदमी उसका दर्शन कर सकता है। आप किचन में अगर कुकिंग कर रहे हो तो वहाँ से भी आपको दर्शन हो जाएगा। ये उन्होंने अपने हिसाब से अरेंज किया हुआ है। इंटीरियर में आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे एक कॉमन का लेटरिन टॉयलेट दिया हुआ है, जो आप देख सकते हो। आइए मेरे साथ चिल्ड्रन बेडरूम। चिल्ड्रन बेडरूम का साइज है 11 बाई 10 का, आप देख सकते हैं, पूरा बनाया हुआ है। यहाँ कर्टन रोड लगे हुए हैं और इसके पीछे में भी फ्लावर बालकनी, फ्लावर बेड बालकनी जो बोलते हैं, 2 फीट का साइज रहेगा और पूरा का पूरा दिया हुआ है, मतलब लिंटर लेवल तक का ये साइज़ है। तो आप देख सकते हैं पूरा बालकनी दिया हुआ है। तो दोस्तों ये जो आपने फ्लावर बेड देखा, अब इसमें ये वार्डरोब बनाए हुए हैं, वार्डरोब भी आप देख सकते हो। पूरा का पूरा सीलिंग तक बनाया हुआ है। तो इसमें बच्चों का स्टडी के बुक्स और कपड़े, स्पोर्ट्स के जो भी खिलौने हैं वो सब इसमें अरेंज हो सकते हैं, क्योंकि दो दिए हुए हैं, एक नहीं है। तो जगह स्पेशियस है, बढ़िया है। और अब मैं आपको ले जाता हूँ मास्टर बेडरूम में। आइए मेरे साथ मास्टर बेडरूम में ले जाता हूँ। तो अब हम आ गए हैं, पहला उसका मास्टर बेडरूम है जो साइज़ है 13 बाई 11 का। तो आप देख सकते हो, मतलब स्पेशियस बना हुआ है। और इधर में एक, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ बालकनी, 6 बाई 6 का बालकनी है। इसमें आप देख सकते हो पूरा 6 बाई 6 का बालकनी बनाया हुआ है। और इधर ये अटैच डिज़ाइन ऐसे किया है जैसे पता ना चले कहीं किसी को कि भाई कहाँ है, ढूंढना पड़ता है, ऐसा हो गया है। इसमें आपको पूरा अटैच मिलेगा। इधर शावर पैनल लगाया हुआ है। मेरे कैमरामैन को कहूँगा, मैं निकल जाता हूँ, उनको मैं दिखाता हूँ, वो आपको दिखा सकते हैं। मेरे कैमरामैन आएंगे, आ जाइए भाई। तो दोस्तों, मैंने आपको एक मास्टर बेडरूम दिखा दिया। अब दोस्तों, मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा दूं, मेरी लेफ्ट हैंड साइड में है चिल्ड्रन एक बेडरूम जो साइज़ है 11 बाई 10 का। मेरे बैक साइड में है एक मास्टर बेडरूम जिसका साइज़ है 13 बाई 11 का। अब और एक बेडरूम बाकी रहता है जो मेरे राइट हैंड साइड में है। मैं आपको वो बेडरूम में ले जाता हूँ, आइए। जो एक दूसरा मास्टर बेडरूम है वो साइज़ है उसका 14 बाई 11। तो ये आप स्पेस आप देख लीजिए, इनफ स्पेस है। और दूसरा आपने दोस्तों देखा होगा कई जगह पर जो सी फेसिंग में जो बनते हैं और उसमें जो बालकनी का एक लुफ्त होता है, वो लुफ्त यहाँ दिया हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बालकनी दिया है जो पूरा का पूरा स्लाइडर है और एक कोने में दिया हुआ है, मतलब आप दोनों तरफ से खोल सकते हैं उसको। ये भी स्लाइडर है, ये भी स्लाइडर है। तो आपको एक पूरा कॉर्नर का एक फ्लावर बेड का पूरा बालकनी 90 डिग्री पर आपको देखने को मिलेगा। और इसका अटैच इधर हो गया। ये आपको मैं उनका मास्टर का अटैच दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो। इसमें भी कुछ उसने बाकी नहीं छोड़ा है और अपना अपना चॉइस होता है दोस्तों। यहाँ पे जैसे एक वॉलपेपर लगा हुआ है, आप अपने हिसाब से इंटीरियर में चेंज करके ऐसा भी आप कर सकते हो। जो आप मतलब अपना हिसाब से जो इंटीरियर करना है आप कर सकते हो। दोस्तों, आपको मैंने ये पूरा यहाँ का एक विज़िट करवाया है। तो दोस्तों, ये था 3 बेडरूम हॉल किचन 1172 स्क्वायर फीट कारपेट जो आपको यहाँ मिलेगा। दूसरा वेरिएंट भी है, मैं आपको वो भी बताऊँगा, मतलब है यहाँ पे जो। और दूसरा आपको मैं ये बताऊँ तो दोस्तों, मैंने आपको ये 3 बेडरूम हॉल किचन का विज़िट करवाया। और इसमें जो प्रोजेक्ट है उसको दोनों साइड में एंट्री है, मतलब एक उधर से भी आती है एंट्री, दूसरा मतलब रोड लगता है, इधर में भी एक एंट्री लगती है। पूरा प्रोजेक्ट को 2 एंट्री है और 2 एग्ज़िट है। और यहाँ एमिनिटीज़ की अगर बात करें तो एमिनिटीज़ में स्विमिंग पूल को छोड़ के कुछ बाकी नहीं छोड़ा है। बैंक्वेट हॉल है, एम्पी थिएटर है, मल्टीपर्पज़ प्रैक्टिस का पिच है, सीनियर सिटीज़न है, चिल्ड्रन प्ले एरिया है, एम्पी थिएटर है, कुछ बाकी नहीं छोड़ा है। पूरा का पूरा यहाँ एमिनिटीज़ दिया हुआ है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है और इसमें सभी फ्लैट की ईस्ट वेस्ट की एंट्री आती है। 2 टावर है जिसमें एक फ्लोर पर 2 फ्लैट है, 2 टावर ऐसे हैं जिसमें एक फ्लोर पर 3 फ्लैट है। और स्क्वायर फुट का वेरिएशन भी आएगा और आपकी चॉइस अगर है तो 14 माले का टावर है। और इसमें 2 बेडरूम से लेके आप 5 बेडरूम तक का अरेंजमेंट सेटिंग अपने हिसाब से कर सकते हो। तो जो आपका बजट है वो हिसाब से आप इसमें अरेंज कर सकते हो। एक बार आप हमारा कांटेक्ट कीजिए या तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, और जो हो सके वो हमसे जो होता है वो आपके लिए ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।